तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है राधे के एक और न्यू फ्रेश वीडियो पर। और इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 5 न्यूट्रल रोल इन सुपर सस, जिससे कि आप लोग रैंक पुश वगैरह इजीली कर सकते हो। तो अगर आपको वो सब जानना है, आपको देखना है, तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहना। और फटाफट चलते हैं हम वीडियो की ओर। और नंबर 5 पे जो हमारा रोल है न्यूट्रल रोल, तो फटाफट चलते हैं और देख लेते हैं कौन सा न्यूट्रल रोल हमारे नंबर 5 पे डिजर्व करता है। और जो हमारा मतलब टॉप 3 रोल रहेगा उसका गेम प्ले वगैरह भी थोड़ा सा दिखाऊंगा, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहना। तो नंबर 5 पोजीशन पे जो हमारा रोल है वो है ग्लूटोनी, और इसका काम तो आप लोग को पता ही होगा। और उसके बाद चलते हैं नंबर 4 की ओर। तो नंबर 4 पे जो हमारा रोल है वो है अपना हिप्नोटिस्ट। तो हिप्नोटिस्ट का काम तो आप लोगों को पता है कि आप किसी को मिनियन बना दो एंड वो और आप दोनों मिलकर एक साथ किल कर सकते हो, और किल करके विन कर सकते हो इजीली। मतलब आपका एक खुद का पार्टनर बन जाएगा, आप जिसको भी पार्टनर बना दो बस आपका साथ देना है, और उसके बाद दोनों विन करेंगे एक साथ। तो हिप्नोटिस्ट भी बढ़िया रोल है रैंक पुश के लिए। मतलब आपको किसी को मिनियन बनाना है, उसके बाद उसके साथ जीतना है बस। और नंबर 3 पे कौन सा रोल है चलो देख लेते हैं। तो नंबर 3 पे जो हमारा रोल है वो है अपना पैंथम। और इस वीडियो का लाइक एम रखता हूँ 100 लाइक का, तो जितने बंदे अभी तक देख रहे हो लाइक कर दो। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर देना, जिससे कि मतलब मैं जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हम लोग रात के 8 बजे हम लोग लाइव करते हैं फेस कैम के साथ। तो अगर आपको लाइव पे ज्वाइन करना है, अगर मेरे साथ खेलना है, कस्टम खेलना है, मेरे साथ मस्ती करना है, तो प्लीज यार लाइव पे आ जाना। और इसका गेम प्ले भी छोटा सा दिखा देता हूँ। तो फटाफट चलते हैं गेम प्ले के ऊपर। तो पैंथम का गेम प्ले, यहाँ पे मैंने पैंथम ले लिया और पैंथम बन गया मैं। अब मेरे को बस मरना है, तो मैं देखता हूँ कौन इम्पोस्टर है। और मेरे को लग रहा है ये ब्राउन इम्पोस्टर लग रहा है, क्योंकि ये गोल गोल चक्कर काट रहा था, तो मेरे को लगा कि ये ब्राउन है। तो मैं एक काम करूंगा, ब्राउन के पीछे रहूंगा, मेरे को ब्राउन पे सस हो रहा है कि ये इम्पोस्टर है, और इसके पीछे रहूंगा। तो ब्राउन मार दे मेरे को, मार दे भाई। हाँ चलो बढ़िया, मेरे को लगा ही था कि ब्राउन इम्पोस्टर है। और अभी फिलहाल इसके बाद मैं जब भी मीटिंग खत्म होगा तो इसके बाद मैं पैंथम बन के मेरे को बस 2 टास्क करना है, शॉर्ट टास्क देता है वो, शॉर्ट टास्क करना है और उसके बाद तो मैं जीत जाऊंगा। तो इधर से ब्लू देखता रहता है यार कौन इम्पोस्टर है, कौन इम्पोस्टर है, मतलब ये डिटेक्टिव था और इधर से देख रहा था कि यार कौन इम्पोस्टर है, फुटप्रिंट वगैरह सब कुछ। तो ये रहा, शायद से ब्लू को मार्क आ गया। और इधर से ग्रीन ने मीटिंग बुला ली, और मीटिंग के बाद भाई ब्राउन को निकाल दिया क्योंकि ब्राउन इम्पोस्टर था। अब मेरे को बस टास्क करना है, तो मैं काम करूंगा कि मेरा टास्क कहाँ पे है, चलो यहाँ पे है। तो मैं फटाफट चलता हूँ, इधर निकलता हूँ और मेडवे में जाके एक टास्क कर लाता हूँ फटाफट। तो इधर से फटाफट मैं मेडवे में आ गया, और ये अच्छा बात है कि यार इम्पोस्टर ने दरवाजा बंद कर दिया। और इधर से मैं फटाफट मेडवे वाला टास्क कर लेता हूँ। मेडवे पे है एक टास्क, और एक टास्क शायद से आर्मरी पे होगा। तो इधर से मेडवे भाई ऑरेंज मत था, अरे भाई ऑरेंज जोकर या फिर इम्पोस्टर पता नहीं, लेकिन मैं इधर ना मीटिंग बुला लेता हूँ क्योंकि यार ऑरेंज कभी भी आ सकता है इधर से। तो मैं फटाफट मीटिंग बुला लेता हूँ, और इधर व्हाइट को खा गया शायद से ग्लूटोनी भी है। तो ये एक फायदा है कि यार इम्पोस्टर का ग्लूटोनी है, जिससे कि मतलब इम्पोस्टर निकल भी जाए ना तो ग्लूटोनी एंड तक बचा रहेगा। तो इधर से ब्लू को निकाल दिए थे, पता नहीं क्यों यार मेरे को भी लग रहा था ये इम्पोस्टर नहीं है, ब्लू डिटेक्टिव था और मेरे बॉडी के पास घूम रहा था। और इधर से मेरे टास्क दे दिया अपने आर्मरी में एस्ट्रॉयड वाला, क्लियर एस्ट्रॉयड। तो फटाफट इधर से यार, अरे 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 भाई भाई चले जाओ, हाँ पीछे करके करना टास्क जब भी एस्ट्रॉयड वाला टास्क, तो क्योंकि यार सामने कोई अगर आएगा तो वो आपको देख सकता है। तो इधर से मैंने पैंथम बन के भी विन कर लिया। अभी फिलहाल चलते हैं हमारे दूसरे जो न्यूट्रल हैं, जो आपका रैंक पुश में बहुत मदद करेगा, वो है अपना सर्वाइवर। लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि सर्वाइवर दूसरे नंबर पे क्यों है, तो उसका भी मैं बताऊंगा। पूरा गेम प्ले देखो आप लोग, पूरा वीडियो देखो, आप लोगों को पता लग जाएगा। और सर्वाइवर का काम तो आप लोग को पता ही है कि यार उसके पास एक सील होता है, मतलब 3 सील होता है, और उस पर जब इम्पोस्टर मारते हैं तो उसका सील टूट जाता है। और सील टूटने के बाद सीन ये होता है कि यार वो स्पेस क्रू का साथ भी दे सकता है, इम्पोस्टर का साथ भी दे सकता है। तो जैसे मैं सर्वाइवर बन गया था, और सर्वाइवर बन के बस मेरे को जीतना था, मतलब छुपना था। मैं फटाफट चला छुपने के लिए भाई, कोई मतलब छुपने का इलाका ढूंढने। और इधर से शील्ड के उधर ना थोड़ा सा कोने में आके मैं छुप गया था। अब यहाँ पे मेरे को दिखता है ब्लू भाई साहब, बहुत देर के बाद ब्लू इधर उधर ढूंढ रहा था, कुछ पता नहीं यार। लेकिन इधर बहुत सारे मतलब बंदे पहले किल हो चुके थे, मतलब अगले मीटिंग में, और इधर से इस मीटिंग में पिंक को किल कर दिया था। तो मैंने इम्पोर्टर को बोला कि ब्लू को गेस ले लो स्पेस क्रू, और स्पेस क्रू था एक रोल था, मेरे को लगा था कि यार स्पेस क्रू होगा ब्लू, तो इसीलिए मैंने उसको बोला और इम्पोस्टर ने गेस ले लिया। तो इधर से मैं इम्पोर्टर के साथ जीत गया। अब नंबर 1 पे जो रोल है हमारा वो है अपना बैकस्टबर।
अब बैकस्टेबर के बारे में इतना कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। अगर आप लोग ये पांच रोल अगर नहीं जानते, इसका गेम प्ले वगैरह सब मेरे चैनल पे है, तो जाके देख सकते हो एक एक करके। और बैकस्टेबर का गेम प्ले मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बैकस्टेबर का गेम प्ले। तो इधर से मेरे को मिल चुका था बैकस्टेबर, अब मैं जाता हूँ गेम के अंदर। और बैकस्टेबर के पास ऑलरेडी एक चक्कू होता है जिससे वो किल कर सकता है, बस एक ही किल कर सकता है। तो इधर से सैबोटाज दिया था और ये वाइट ठीक नहीं कर रहा था, मैंने वाइट को मार दिया। अब सबको पता लग गया था कि मैं बैकस्टेबर हूँ, इधर से मैंने एक गलती कर दिया कि यार वाइट को मार के। लेकिन कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देता हूँ। और इधर वाइट का डेड बॉडी रिपोर्ट जब हुआ, तब सब ने बोलने लगा कि यार इसको निकालो, मतलब मेरे को निकालो। और मैंने बोला कि भाई देखो, मैं तो और किल नहीं कर सकता, तो एक काम करो ऑरेंज को वोट करो। ऑरेंज इम्पोस्टर मेरे सामने मारा था, मतलब वेंड किया था, मारा तो मैंने ही था लेकिन वेंड किया था। और मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने एक इम्पोस्टर को मार दिया, मतलब व्हाइट इम्पोस्टर था और मैंने इम्पोस्टर को ही मार दिया था। अब मैंने कुछ बोला कि यार जो भी इम्पोस्टर वगैरह है, एक काम करो सबोटाज दे देना। तो इसने ना फटाफट ओटू वाला सबोटाज दे दिया था। अब पिंक का पता नहीं क्या मतलब नशा करके आया था, ये देखो पिंक को देखो। और मैं ना ये इन दोनों को डरा रहा था बस कि मैं एक और किल करूंगा, आ जा। और इधर से ग्रीन बहुत डर चुका था, ये देखो ये ठीक करने आ रहा था, लेकिन मेरे को देखे ना ये डर के मारे भाग गया। देखो ये देखो, मैं ग्रीन के पीछे पीछे इतना दौड़ाया ना ग्रीन को लगा कि मैं इम्पोस्टर हूँ, रेड रेड दिख रहा होगा। और इसकी वजह से मैंने एक मतलब एडवांटेज मिल गया और मैं ग्रीन को दौड़ाते गया। और इधर से तब तक ओटू फट चुका था, मतलब ओटू कोई ठीक ही नहीं किया। तो इधर से मैंने मतलब बैकस्टेबर बन के भी स्पेसक्रू के साथ नहीं, मतलब इम्पोर्टर के साथ जीत गया। और अगर आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक कर देना 100 लाइक, और चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पे कर देना। 2K हो गया, हम लोग को 3K करना है जल्दी जल्दी। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।